अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज मैं मौजूद हूं चुनारी के मकाम पे, जो कि चुकोठी एलओसी के बिल्कुल करीब है। आज आज़ाद कश्मीर से सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से प्रोटेस्ट की कॉल दी गई थी, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान भर से जो कि सहाफ़ी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। आज हम इसी हवाले से कि सहाफ़ियों का क्या मुतालबा है, सहाफ़ियों का ये क्या एम्स हैं, क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है 370 और 35A के ख़िलाफ़, 370 और 35A के ख़िलाफ़ आज के एहतजाज है, ये चलते हैं। मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों से इसी हवाले से बातचीत करते हैं। हम मौजूद हैं चनारी के मकाम पर ही। हमारे साथ मौजूद है काशिफ मीर साहब, जो कि इस्लामाबाद से आए हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और एक वक्त से एलओसी की जो कवरेज है वो बड़े शानदार तरीके से वो कर रहे हैं। कश्मीर साहब, आज मसला कश्मीर के लिए तमाम सहाफ़ी आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान से इकट्ठे तो हो गए, लेकिन क्या आप देख रहे हैं कुछ इम्पेक्ट इसका होगा? जी बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपके इस चैनल का शुक्रिया, और तमाम सामईन को मैं बताता चलूँ कि चूँकि मकबूज़ा कश्मीर लॉकडाउन है, और इस वक्त को तकरीबन 80 लाख का जो जेल है वो भारत ने बना रखा है। वहाँ पे लोगों को खुराक नहीं है, अदवियात नहीं है, और जो बुनियादी जो सहूलतें हैं वो उनसे छीन ली गई हैं। उनको नमाज पढ़ने तक की इजाज़त भी नहीं दी जाती, तो उनसे यकजहती के तौर पे साफियों ने, आज़ाद कश्मीर के साफियों ने इस इवेंट का इनेकाद किया। एक भरपूर रैली मुजफ्फराबाद से यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब चनारी तक निकाली गई। बुनियादी इसका मकसद ये था कि हम मकबूज़ा कश्मीर वालों के साथ इजहार यकजहती करें, और जो खासकर जो मकबूज़ा कश्मीर के अंदर जो मीडिया की जो बंदिश है उस हवाले से हम अब आवाज़ बुलंद कर सकें, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता सकें कि हम यहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं हम यहाँ पे आज़ाद हैं, हम यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब हैं, जबकि मकबूज़ा कश्मीर के अंदर सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। दो चीज़ें, एक तो काबिल अफसोस शामिल था कि यहाँ के पॉलिटिशियंस आपको नज़र नहीं आए, लेकिन आपने कहा फ्लैश पॉइंट बन चुका है, यकीनन फ्लैश पॉइंट बन चुका है, मीडिया की जीनत है। लेकिन अगर बर्मा में मसला होता है, फ़लस्तीन में मसला होता है, तो हमारे कश्मीरी, पाकिस्तानी और दुनिया भर के मुसलमान निकल आते हैं, लेकिन जब कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों पर, कश्मीरियों पे जुर्म हो रहा है, ना अरब का कोई शख्स निकलता है, ना अमेरिका कोई निकलता है, ना यूरोप वाले निकलते हैं, ना बर्मा वाले निकलते हैं, ये सर क्या वजह है? देखिए, अगर हम कश्मीर के मसले को समझें तो ये चूंकि बुनियादी इंसानी हकूक का मसला है, ये लोगों की आज़ादी का मसला है, ये किसी के साथ इलाक का, किसी की शहर का, किसी के एटाटूम का मसला नहीं है, ये ज़मीन का मसला नहीं है। हमें यह समझना पड़ेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को आज तक हमने भी धोखे में रखा कि ये शायद ज़मीन का मसला है, ये ज़मीन का मसला नहीं, ये 1.5 करोड़ कश्मीरियों का मसला है, उनकी राय को कभी लिया नहीं गया। तो अब जब कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट बना, तो हमने देखा कि अमेरिका के अंदर भी अमेरिकन भी बाहर निकले, कनाडा के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पे सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भी निकले, वहाँ के सिख भी निकले, और मुकामी कम्युनिटी भी निकली। अच्छा काशिफ साहब, बताइएगा आप, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो समझ, ये जो कन्फ्लिक्ट है, बेसिकली इंटरनेशनली एक कन्फ्यूजन है कि ये एक सियासी मसला है या मजहबी मसला है, आपके नुक्ता नज़र में क्या मसला है ये? देखें, ये एक पॉलिटिकल मसला है, सियासत लोगों के साथ होती है, ये मजहबी मसला नहीं है। कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर बसने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मसाइल का शिकार है वो ज़रूर मुसलमान है। इसलिए हम इसको सिर्फ मज़हब का मसला नहीं करार दे सकते, मज़हब का मसला एक दो कौमी नज़रिए के तौर के ऊपर मज़हब का एक मसला ज़रूर है, लेकिन ये एक इंसानी मसला है। और इस मसले को मैं बताता चलूँ कि ये हल यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान ने हल नहीं करना, इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हल करना है, इसको सिक्योरिटी काउंसिल के जो मुश्किल अराकीन हैं उन्होंने हल करना है। मकबूजा कश्मीर में ये किया गया है कि सहाफ़ी जो हैं वो वहाँ पर बिल्कुल बेयारो मददगार हो गए हैं, कि मुआसलात सिस्टम बिल्कुल वहाँ बंद कर दिया गया है। तो जो आज पाकिस्तान भर से सहाफ़ी आज़ाद कश्मीर में आए, इसका मकसद मकबूज़ा कश्मीर के सहाफ़ियों के साथ और मकबूज़ा कश्मीर में रहने वाले अपने बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती है। और यहाँ आने का मकसद ये है कि वहाँ पर जो मजालम हो रहे हैं, पाकिस्तान के सहाफ़ी और आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो सहाफ़ी हैं, ये पूरी दुनिया में उनकी आवाज़ बन जाएँ, क्योंकि उनकी आवाज़ वहाँ
रियासत ने और इंडियन गवर्नमेंट ने जबर के साथ जो है वो उसको बंद कर दिया हुआ है, और हम सब इसलिए यहाँ पर आज इकट्ठे हैं। और मेरी दरख्वास्त भी है तमाम सहाफ़ी तंजीमों से और सहाफ़ियों से कि मकबूज़ा कश्मीर की आवाज़ बनी है, इससे पहले कि वहाँ पर कोई बड़ा इंसानी अलमिया जो है वो तारीख का हिस्सा बन जाए, क्योंकि वहाँ पर खुराक एक बुनियादी जो हकूक हैं किसी इंसान को, एक खुराक दवाई, वो उनसे भी महरूम उन्हें कर दिया गया। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या आप ऑब्जर्व कर रही हैं कि मसला कश्मीर इस वक्त बहुत फ्लैश पॉइंट बन चुका है, इंटरनेशनलाइज हो चुका है, लेकिन क्या कोई हल की तरफ पेशरफ्त हो रही है? बिल्कुल हाईलाइट हो चुका है, लेकिन मैं समझती हूँ यहाँ पर जो आलम इस्लाम मालिक हैं, जो हमारे इस्लामी मालिक हैं और जो दुनिया है, उनको जिस तरह की तवज्जो देनी चाहिए इस मसले पे, वो उस तरह की तवज्जो नहीं दे रहे। महज बयानबाजी से ये काम नहीं चलेगा, अभी इसका कोई मुस्तकिल हाल निकलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो इंसान हैं उनके साथ जिस तरह जुल्म और जबर इंडिया कर रहा है, तो क्या सारी दुनिया इसलिए खामोश है कि उन्हें इंडिया से बड़ा बिजनेस मिलता है और वो इस बिज़नेस इंटरेस्ट के लिए वहाँ पर जो इंसानों के साथ होने वाला जुल्म है उस पर इंसानी हकूक की तंजीमें भी खामोश हैं, उस पर हमारे जो इस्लामी ममालिक हैं वो भी खामोश हैं, और उस पर अक़वामे मुत्तहिदा भी खामोश है। तो ये बड़ी शर्मनाक है मेरे लिए, ये हाईलाइट है, हुआ है, लेकिन इसका परमानेंट हाल निकलना चाहिए और इस हाल के लिए बयानबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, बींगा पाकिस्तानी, चूँकि आप इस वक्त कश्मीर की सरजमीन पर हैं, तो हमेशा आपने कश्मीरियों का साथ तो दिया, लेकिन आप इसका परमानेंट और मुमकिन हल क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखें, मेरी राय में तो इसका परमानेंट हल कश्मीरियों से ही पूछा जाए, उनकी राय ली जाए, उनकी रायशुमारी इसका बेहतर हाल है, और उनसे पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं। उन पे जबरन किसी भी तरफ से, वो पाकिस्तान है और चाहे वो इंडिया है, जबरन उनसे कोई फ़ैसला नहीं करवाया जा सकता। और कश्मीरियों का फ़ैसला हमें भी पता है कि वो पाकिस्तान के साथ, मतलब आज़ाद जम्मू कश्मीर में आप देखें कि यहाँ कश्मीरियों के साथ कभी भी रियासत ने कोई उस तरह की ज़्यादती जुल्म नहीं किया जो जम्मू कश्मीर में होता है। देखें, इंसानी जान सबसे मोहतरम है, और हम मैसेज कन्वे करने आए हैं, इजहार यकजहती करने आए हैं, अपने इदारों के लिए मसाइल पैदा करने नहीं आए। और इदारों से ज़्यादा ये जो इर्द गिर्द लोग बसते हैं, इनके लिए सबसे बड़ा मसला है। हम तो नारे लगाकर धरना देकर चले जाएंगे, लेकिन बुज़दिल दुश्मन सबसे पहला वार इन पे करेगा। इससे पहले भी यहाँ पे फायर हुआ है, और इस वक्त इंडिया बग़ैर किसी वार्निंग के शहरी आबादी पर पोस्ट टू पोस्ट फायर नहीं करता। बुज़दिल दुश्मन ख़वातीन पे, बच्चों पे, बुज़ुर्गों पे, शहरी आबादी पे हमला करता है, उन पे फायर करता है। तो क्या ये मुनासिब होता कि हम आगे जाते, काफ़िले पे भी खुदा ना खास्ता फायर होता और सिविलियन आबादी पर भी होता? एक कतन दानशमंदी नहीं थी। यहाँ बिल्कुल आपके सामने एलओसी मौजूद है, इस वक्त जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो इजहार यकजहती के लिए आए हैं, और वो अपना पैगाम देना चाहते हैं पूरी दुनिया के लिए कि पाकिस्तान के अहले कलम आज़ाद कश्मीर के कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। मैं ये समझता हूँ जी कि ये इंडिया ने ये जो 370 और 35 आर्टिकल की जो खिलाफवर्जी की है कश्मीरियों की, वहाँ से हैसियत ख़त्म करने के लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि वो इस भूल में ना रहें। हम तैयार हैं, आपके इस नापाक अजायम को हम अपनी जूती की नोक पे मारते हैं, और इंशाल्लाह हम आज़ादी करीब है, हम आज़ादी लेकर दम रहेंगे, और आपके नापाक अजायम को हम जूती की नोक पे मारते हैं। तमाम सहाफ़िया अहबाब का बहुत मशहूर हूँ कि वो सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर कोठी तक पहुँचें, चिनारी तक पहुँचें, और इंटरनेशनल दुनिया को ये बावर करवाया है कि मकबूज़ा कश्मीर में जो कम्युनिकेशन का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, देखें वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन का निज़ाम नहीं है, दुनिया के सामने अंधा यानी कि गूंगा कर दिया है कश्मीरियों को। तो इसके ऊपर पंजाब से जो हमारे दोस्त सहाफ़ी दोस्त आए हैं, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आए, इस्लामाबाद से आए, हम उन सब के मशहूर हैं। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।